Good morning. मॉर्निंग सर। तो आज हमने बोला था भारत का भूगोल, ठीक है, ये वाले टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। सबसे पहले भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का निर्धारण कब हुआ? 1914 1914 में हुआ था। फिर ड्यूरेंड रेखा का निर्धारण कब हुआ? 1896 1896 में हुआ था, ठीक है। फिर भारत का मानक समय कहाँ से गुजरने वाली रेखा है? ये यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश, पांच राज्यों से गुजरती है रेखा, ठीक है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा कहाँ से गुजरती है? इसे बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। यह त्रिवेंद्रम, दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से गुजरती है। ठीक है, फिर भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है? 2.44 2.42। फिर है भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,85,282 वर्ग 263। किलोमीटर। विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत लगभग भारत में? 17.5 17.5। ठीक है, तो 2011 के अनुसार है ये। 15 नवंबर 2022 को जो है आबादी में नंबर एक हो गया भारत, तो उसका परसेंट भी थोड़ा सा ऊपर आ गया होगा, ये नई वाली गणना से पता चलेगा। भारत की स्थल सीमा की लंबाई?15,200 15,200 किलोमीटर है। फिर है मुख्य तट रेखा की लंबाई? 7,000 मुख्य भूमि 6,100 की, वो तो मुख्य भूमि की है 6,100, ठीक है, 6,100। यह 9 राज्यों के साथ जो तट रेखा है उसे बोलते हैं मुख्य भूमि की तट रेखा, जो इंडिया का मेन लैंड है, और बाकी यूनियन टेरिटरी को भी मिला दें तब है वो 7,516। तो ये इसमें थोड़ा अंतर याद रखना, ये गणित सहायक में आ रखा है पहले, ठीक है, 7,516.5 लगभग। फिर है भारत की स्थल सीमा पर कितने देश हैं? सात 7 देश हैं इसमें। फिर भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? 16 16 राज्य हो जाएगा। फिर कितने ऐसे हैं जो जल स्थल दोनों सीमा पर हैं? कितने देश ऐसे हैं जो जल स्थल पर हैं? तीन तीन म्यांमार है एक ना, बांग्लादेश पाकिस्तान। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। फिर पिग मिलियन पॉइंट किस किसका अन्य नाम है? पिग मिलियन पॉइंट इंदिरा पॉइंट इंदिरा पॉइंट का ही दूसरा है। भूमध्य रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी कितनी है? 864 किलोमीटर। 876। ये 876 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब इसमें कुछ दर्रे हैं, यांग याप दर्रा,
लद्दाख, यांगयाप, तिब्बत, दीफू, ये सिक्किम, दो जगह की इन्होंने, एक तो यांगयाप है, अरुणाचल, दीफू है, ये अरुणाचल के, एक और इसमें पांग सादर, तो तीनों एक्स्ट्रा है, ये तीनों है अरुणाचल के, पांग सादर, दीफू, यांगयाप, ये अरुणाचल वाले। फिर रोहतांग, रोहतांग पास का है, रोहतांग, हिमाचल हिमाचल, का है, शिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचा। फिर नाथुला, नाथुला और सिक्किम, जयलेपला, ये सिक्किम के हैं, नाथुला जयलेपला, उत्तराखंड वाले तुम्हें मालूम ही है ज्यादातर। फिर जोजिला, काराकोरम, जोजिला, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के हैं ये, लद्दाख, लद्दाख हो जाएगा। फिर श्रीनगर और गिलगिट को कौन सा दर्रा जोड़ता है? श्रीनगर और गिलगिट, उर्जिला, बुर्जिल पास। जवाहर टनल किस दर्रे में है? रोहतांग, रोहतांग तो हिमाचल का हो गया, ये जम्मू श्रीनगर जाने का मार्ग है, जवाहर टनल, ये बनिहाल दर्रे में, जी सर, जो रोहतांग टनल है वो तो बाद में मोदी जी ने बनाई थी, रोहतांग टनल। फिर हिमालय के प्रादेशिक विभाजन जो कि चार भाग में हुआ है, उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, असम, इसमें से नेपाल, नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, और सबसे छोटा इसमें से कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर। फिर एलिफेंट पास, ये कहाँ है? एलिफेंट पास या एलिफेंट दर्रा, श्रीलंका, एलिफेंटा कहते हैं इसको, श्रीलंका में है ये, जाफना और से श्रीलंका को जोड़ता है, तो ये जाफना भी जगह वही है और श्रीलंका तो है ही, तो श्रीलंका में ही है एलिफेंटा। फिर मैकाल पठार कहाँ है? ये छत्तीसगढ़, ठीक है, मैकाल पठार है जी सर, छत्तीसगढ़। कौन सी पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, जो कि झारखंड, यूपी, छत्तीसगढ़ में फैली हुई है? झारखंड, यूपी, छत्तीसगढ़ है विंध्याचल, विंध्याचल। विंध्याचल का पठार इन जिलों में है, वैसे जब विंध्याचल पर्वत है तो एमपी में है, तो वो उत्तर और दक्षिण को अलग कर देता है, ठीक है। बैकाल वाला हो गया छत्तीसगढ़, जिसमें अमरकंटक सबसे ऊंची चोटी है और इससे तीन नदियां निकलती हैं अमरकंटक से, ठीक है। पश्चिम में नर्मदा है, उत्तर की ओर कौन सी है? पश्चिम में नर्मदा है, दक्षिण महानदी है, सोन है एकमात्र उत्तर, जो उत्तर वाहिनी है गंगा की सोन, याद रखना, एकमात्र उत्तर वाहिनी सहायक है सोन नदी, तो वह अमरकंटक से उद्गम है, तीन दिशाओं से तीन नदियां निकलती है। फिर भारत का रूर क्षेत्र किस पठार को कहते हैं, खनिज भंडार की दृष्टि से? छोटा नागपुर। फिर महाबलेश्वर के उच्चतम बिंदु को क्या कहा जाता है? मैकॉले, महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु है विल्सन पॉइंट। जी ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र में उच्चतम बिंदु है इसका, विल्सन पॉइंट।
किस पठार का पूर्वी भाग विदर्भ कहलाता है? किस पठार का पूर्वी भाग विदर्भ? यह दक्कन का पठार, काली मिट्टी का क्षेत्र है, जो काली मिट्टी का क्षेत्र, और ये विदर्भ वाले वही है जहां पर ज्यादा सूखा प्रभावित भी रहता है। यहाँ के किसान सबसे ज्यादा समस्या से ग्रस्त है। ठीक है, फिर है धारवाड़ का पठार कहाँ है? धारवाड़, कर्नाटक। हाँ ये है कर्नाटक राज्य में धारवाड़। ये तो कर्नाटक में एक तो बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं जहाँ पे लोह अयस्क भी पाया जाता है। दूसरा है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ी जिससे वो कावेरी निकलती है कर्नाटक में। फिर नीलगिरी कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो दक्षिण की दूसरी ऊंची चोटी है, यह डोडा बेटा, थोड़ा जो कि सेकंड हाईएस्ट है। वैसे अन्नमुली है, अन्नामलाई में फर्स्ट। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दक्षिण भारत की भी दूसरी ऊंची चोटी है, और उटकमंड भी यही है नीलगिरी में, ऊटी जिसे बोलते हैं उटकमंड। पालघाट दर्रा भी इसी के दक्षिण में, नीलगिरी के दक्षिण में। फिर अन्नमुली की ऊंचाई क्या है? दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है अन्नमुली, ये भी वही अन्नामलाई 26 तमिलनाडु, 26,296 मीटर। कन्याकुमारी से कृष्णा तक का तट क्या कहलाता है? कन्याकुमारी से कृष्णा नदी, कोरोमंडल तट। ये है कोरोमंडल वाला तट। ये पूर्वी हिस्से का तट है। दक्षिण भारत में दो तट है, एक तो पूर्वी और एक पश्चिमी तट। तो ये पूर्वी हिस्से वाले तट है सब कोरोमंडल। फिर एक कृष्णा डेल्टा से गोदावरी तक। उत्तरी सरकार कृष्णा से गोदावरी तक में कौन सा आएगा? कृष्णा नदी जहां पे थी, ये आ जाएगा आंध्र प्रदेश के जो बगल में है, गोलकुंडा। गोदावरी इसके बाद वाला आएगा वो, जैसे गोदावरी डेल्टा से आगे, गोदावरी से उत्तर तट के मैदान तक है उत्तरी सरकार। तो तीन तट हो जाएंगे वहां नीचे से ऊपर, कोरोमंडल, गोलकुंडा, उत्तरी सरकार, पूर्वी हिस्से में। ठीक है, फिर पश्चिम में सबसे पहले कौन सा तट है केरल के पास? मालवा। सबसे पहले आ जाएगा मालाबार, जिसे बोलते हैं बेंगलोर से कन्याकुमारी वाला क्षेत्र। ठीक है, दूसरा आ जाता है कौन सा? इसके ठीक ऊपर, गोवा कोंकण। से कर्नाटक, तो ये केनेडा का तट, इन कोंकण और उसके बीच में है ये। ठीक है, जी सर। तो नीचे से ऊपर की तरफ जाए मतलब केरल से ऊपर की तरफ, तो मालाबार, केनरा, कोंकण, ये तीन इधर है, तो ये पश्चिमी तट कहलाते हैं भारत के। तो तट के भी याद रखना है, इनके भी आ सकता है। इसके अलावा वो पूछा जाता है कि पूर्वी तटीय बंदरगाह, पश्चिम तटीय बंदरगाह कौन कौन से हैं? जैसे पश्चिम वाले जो है, तो वो पश्चिम के जो राज्य बसे हुए हैं, जैसे गुजरात है, तो गुजरात में सबसे ज्यादा पोर्ट है कांडला पोर्ट है, फिर अलंग पोर्ट है जहाँ पे पोत विखंडन में किया जाता है, एक दहेज पोर्ट है, रसायन बंदरगाह बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा पोर्ट में से बड़ा ये है कांडला। फिर मुंबई का हो गया महाराष्ट्र में,
गोवा, गोवा में ही है, बंगलुरु पोर्ट कर्नाटक का, केरल का कोची, ठीक है, महाराष्ट्र में धावा सेवा और मुंबई, दो हो गए, ठीक है, तो आधुनिक बना दिया धावा सेवा, तो ये सब हो गए पश्चिमी, भारत के तट के हिसाब से देखें तो ये पश्चिमी हिस्से में आ गए, है जी सर, ना, जो बाकी बचेंगे सब वो पूर्वी हो जाएंगे, जैसे तीन तुम्हें मिलेंगे तमिलनाडु के अंदर ही तीन मिल जाएंगे, और इसमें निकोबार में कितने द्वीप हैं, निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। देखो अंडमान निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में है, जो क्षेत्रफल में महत्वपूर्ण स्थान है इसका, इसमें करीब 247 हैं, निकोबार में 19 हैं, ठीक है, अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप का नाम क्या है, अंडमान निकोबार में सबसे उत्तर में लैंडफॉल द्वीप, फिर चीन ने निगरानी तंत्र किस द्वीप पर लगाया है, ये कोको द्वीप बोलते हैं, कोको आइलैंड, भारत जी सर, सर वो म्यांमार के पास है ना। के म्यांमार के थोड़ा सा नीचे है कोको द्वीप, और वहीं से बॉर्डर भी है, उससे ऊपर का सारा हिस्सा म्यांमार का ही है, तो कोको आइलैंड लास्ट पॉइंट है जो म्यांमार का है, तो इसी में अपना चाइना ने निगरानी तंत्र रखा हुआ है, फिर है न्यू मोर द्वीप है, न्यू मोर द्वीप, उड़ीसा, ये जो है किसी उसमें भी कहा जाएगा, पर ये बंगाल की खाड़ी के पास ही है, जहाँ बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का मिलन है, तो वही पे न्यू मोर आइलैंड, फिर है लक्षद्वीप और मिनी कॉय के बीच में कौन सा चैनल है, लक्षद्वीप तथा मिनी कॉय, हाँ 9 डिग्री चैनल। ये 9 डिग्री है लक्षद्वीप मिनी कॉय में, फिर मालदीव तथा मिनी कॉय के बीच में क्या है, 8 डिग्री चैनल। ये 8 डिग्री का है, फिर है म्यांमार और उत्तर अंडमान के बीच में है, जो अभी बताया था हमने कोको, कोको स्ट्रीट बोलते हैं, म्यांमार से उत्तर अंडमान के हिस्से का गैप बनाने वाला, फिर सैडल पीक किसकी सबसे ऊंची चोटी है, अंडमान अंडमान की, उत्तरी अंडमान। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक, केंद्र शासित प्रदेशों का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेशों में से पोर्ट पोर्ट ब्लेयर, ब्लेयर, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, 36 है, फिर से ऑर्डरेट सबसे बड़ा है, 10 पर आबादी है, फिर है भारत में दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, वो कौन से हैं, नारकुंडम बैरम। नारकोंडम द्वीप और बैरन आइलैंड, बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, नारकोंडम द्वीप क्या सुषुप्त ज्वालामुखी है, कभी भी जिनसे लावा निकल सकता है, ठीक है, तो यहां तक इसके दो टॉपिक हुआ, एक सामान्य जानकारी और भौतिक स्वरूप, कल हम इससे आगे वाला करेंगे, भारत की नदी वाला पूछेंगे, भारत के भूगोल में, ठीक है, और इसका जो अगला अगला टॉपिक है भारत की झील है इसमें, और जलप्रपात, ठीक है, जलवायु तक, जलवायु तक यस सर, वाला पोर्शन, अब हिस्ट्री का कुछ पूछ लेते हैं,
ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान किस वेद में मिलता है? ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान ऋग्वेद, ऋग्वेद इसी को कहा जाता है ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान। इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल। 10 मंडल है। इंद्र के लिए कितने ऋचा है इसमें? 250। संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद। वेदों में से सामवेद हो जाएगा। फिर मत्स्य पुराण में किस वंश की जानकारी मिलती है? सबसे पुराना पुराण यही है सातवाहन, प्राचीनतम और प्रमाणिक मत्स्य पुराण। सबसे बाद का वेद यानी नवीन वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद। मनु स्मृति को किस वंश का मानक ग्रंथ माना गया? किस वंश की मतलब जानकारी है मनु स्मृति? ये सुंग वंश की जानकारी। फिर जैन साहित्य को क्या कहा गया? इनको कहा गया आगम। फिर जातक का संबंध किससे? जातक कथाएं। गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी को ही जातक कहा जाता है। फिर गायत्री मंत्र किस मंडल में है? ये ऋग्वेद के किस मंडल में? तीसरे में। इस टाइप के क्वेश्चन में से थोड़ा चांसेस है। बाकी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक किसे कहते हैं? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। फिर गार्गी संहिता ज्योतिष ग्रंथ किसने लिखा? याज्ञवल्क्य। यह कात्यायन, कात्यायन मुनि का है जी सर। फिर महाभाष्य किसका ग्रंथ है? पतंजलि। इतिहास है पतंजलि, पतंजलि का महाभाष्य। फिर है चीनी यात्री संयुगन किस सदी में भारत पहुंचा था? यह था छठी शताब्दी में, 518, 6th century। वेन सांगे सातवीं में आया, 629 जी सर। सती का पहला उल्लेख किस अभिलेख से मिला? सती का पहला उल्लेख भानुगुप्त का एरन। फिर हाथी गुम्फा अभिलेख में कौन सा शब्द पहली बार आया था? भारत। भारतवर्ष का पहला उल्लेख इसमें मिलता है। ये पहले पहले अभिलेख है। जैसे दुर्भिक्ष की जानकारी सौ बोरा से मिली, दुर्भिक्ष अकाल की और रुण की आक्रमण की है भीतरी स्तंभ लेख। फिर है प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाए? मिश्क। इन्हें बोलते थे आहत सिक्के या काशार्पण। अरिक मेडु से कौन से सिक्के मिले थे? पुदुचेरी के पास अरिक मेडु, रोमन से क्या मिला है? रोमन पेगोड़ा। पेगो कौन सा? इब्न बतूता ने अपना वृत्तांत किस भाषा में लिखा था? अरबी। अरबी में रिहला।
किस सुल्तान ने इसको दिल्ली का काजी बनाया था? इब्न बतूता। एमबीटी प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध किस गुप्त शासक से है? प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से। कृषि का प्रथम उदाहरण कहां से मिला? मेहरगढ़ बिहारगढ़ से। मोहनजोदाड़ो का किस भाषा में अर्थ बताया गया? मृतकों का टीला। यूनानी। मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंध प्रांत में पड़ता है, तो वहां पे सिंधी सिंधी में इसका अर्थ है जी सर। मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण किस नदी घाटी में मिला? भारत नर्मदा। नर्मदा वैली के थे। फिर सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या है? 2500 से 1750। ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कहाँ थे? लोथल लोथल। प्रमुख था। सुरकोतदा और लोथल ये प्रमुख बंदरगाह थे। अग्निकुंड कहां से प्राप्त हुए? अग्निकुंड मोहनजोदड़ो। दो स्थान है इसके लिए जहां से और भी साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे कालीबंगा, लोथल, अग्निकुंड या यज्ञ वेदिका। फिर सिंधु सभ्यता की लिपि क्या है? प्रश्नोफेडन भावचित्रात्मक। मन के बनाने के कारखाने, मन के यानी मोहर आदि बनाने का काली था, एक तो है लोथल, एक चंदूदड़ो। चंदूदड़ो जी सर। ये भी महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए थे। भारत आर्यों का पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। सोमरस। तेरे नीवी किसे कहा गया वैदिक काल में? ये कहा गया वस्त्रों को ही कहा गया, अंदर पहनने के वस्त्र नीवी। जी सर। तेरे अघन्या किसे कहा गया है? गाय को गाय को कहा गया। लोहित अयस्क। लोहित अयस्क, लोहा। लोहित अयस्क है तांबे को, उसमें लोहित तो तांबा हो गया। श्याम अयस्क तब हो जाएगा लोहा, श्याम रंग का, काले रंग का ही हो जाता है, तो इसलिए याद रखना इसको। और लोहित रक्त वर्णी होता है तांबा, तो उसके नाम इसलिए ले रखा है वहां से। दशराज्ञी युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? दशराज्ञी प्रावी। नदी या परुशनी नदी के तट पर। सुदास ने 10 जनों को हराया था। भारत आर्य समाज कितने भागों में, आर्य की प्रशासनिक व्यवस्था कितने भागों में थी बटी हुई? ये हो जाएगी 5 भाग, ठीक है। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, नीचे से ऊपर की तरफ है।
जय संहिता किसका नाम था? महाभारत। महाभारत। पिशावर महाजनपद काल है जो कि सिलेबस में है, महाजनपद, और इसमें से भी क्वेश्चन काफी निकलते हैं। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अवंती ये थी चंपा में, और अंग चंपा। महाजनपद वर्तमान में है बिहार का मुंगेर, भागलपुर और मुंगेर जिला, यानी वर्तमान का बिहार है अंग जनपद। फिर सर्वाधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा है? सोलह महाजनपद में से क्या था? मगध है, मगध और जी ये भी बिहार में, ये मगध एक लंबे समय तक वो सबसे विकसित क्षेत्र रहा है भारत का, और आज सबसे पिछड़ी जगह हो चुकी है बिहार। ये तो ज्यादातर जो महाजनपद थे वो यूपी में थे, कुछ उसमें हो गए बिहार में, ना यूपी और बिहार का क्षेत्र ही ज्यादा है सबसे ज्यादा। फिर कौन सा महाजनपद था जो भारत से बाहर था, वो वर्तमान के भारत से बाहर है? ये हो जाएगा गांधार महाजनपद। जी सर। गांधार जो है तक्षशिला उसकी राजधानी थी तक्षशिला, तो वर्तमान में पाकिस्तान में तक्षशिला। फिर पूछा जाता है कि क्वेश्चन में कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, सारे उत्तर भारत में सब यूपी बिहार के, ज्यादातर 80% है यूपी बिहार, एक मत्स्य है राजस्थान, और एकमात्र जो दक्षिण का है वो है अस्मक, जिसकी राजधानी पाटली जी सर। या पोटली बोलते थे, पोटली थी। ठीक है, इसके बाद है जैन धर्म। जैन धर्म, बौद्ध धर्म से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 की सपोर्ट 540 में हुआ था। कहाँ? कुंडग्राम। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। है ना, इस टाइप का ही कोई क्वेश्चन भी पूछ लिया पहले। वर्धमान किसके बचपन का नाम था? महावीर स्वामी। महावीर का ही बचपन का नाम है। महावीर के पहले अनुयायी कौन थे? प्रथम अनुयायी उनके जमाई। दामाद ही थे, जामिल। पहली जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा। चंपा है ना, दधीवाहन की पुत्री चंपा थी, और पूरा भिक्षुणी संघ की प्रधान थी चंदना। ठीक है, भिक्षुणी संघ की प्रधान। पहले चंद्रा। जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव ऋषभदेव। है पहले। फिर है 23वें तीर्थंकर कौन हुए? 24 टोटल है, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ है। फिर किन जैन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिला? ऋषभदेव पार्श्वनाथ ऋषभदेव और अरिष्टिनेमी। ठीक है, एक अरिष्टनेमी 22वें क्रम जी के हैं बाईस। और एक पहले हो गए ऋषभदेव। तो ऋषभदेव को हिंदू धर्म से भी जोड़ा जाता है, इनको कहा जाता है विष्णु का अवतार, जिसे बुद्ध है, बुद्ध को भी बोलते हैं, और जैनों में ऋषभदेव हो गए। फिर दिगंबर जो थे, दिगंबर जो बने हैं वो किसके शिष्य थे, भद्रबाहु के या स्थूल भद्र के? भद्रबाहु भद्रबाहु। के। कठिन जीवन जीना चुना तो वो दिगंबर कहलाए, बाकी श्वेतांबर कहलाए। जैन त्रिरत्न क्या है? जैन त्रिरत्न, ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक आचरण। फिर
त्रिरत्न के अनुशीलन के लिए कितने महाव्रत का पालन अनिवार्य बताया गया? पांच पांच है इसमें। ठीक है, इसमें जो है पहले चार ही थे, फिर पांचवा जो है ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया था महावीर स्वामी के द्वारा। जी सर। जैन धर्म में आध्यात्मिक विचार कहाँ से ग्रहण किए, किस ग्रंथ से? हाँ, सांख्य दर्शन। आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से आए, और बुद्ध ने भी सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी, है ना? तो यानी जी सर। कि दोनों ही धर्म उससे प्रभावित थे। मौर्योत्तर काल में कौन सा स्थान था जैन धर्म का केंद्र? मौर्योत्तर में था मथुरा, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं मथुरा कला का संबंध जैन से है। अच्छा, अब इसके बाद आ गया है महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी पावापुरी में हुई थी ना। अब है बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? पांच सूत्र 563 ईसा पूर्व रे लुम्बिनी, तुम्बिनी। लुम्बिनी में बताए। कौन से वृक्ष के नीचे हुआ था जन्म? साल के वृक्ष के नीचे। ज्ञान इनको मिला था पीपल के नीचे, और जन्म हुआ था साल के वृक्ष के नीचे। कपिलवस्तु की सैर पर जब ये गए थे तो कितने दृश्य देखे थे? सिद्धार्थ चार दिन। इनके बचपन का नाम? बचपन का नाम सिद्धार्थ है। अच्छा, फिर है धर्म चक्र परिवर्तन की घटना का संबंध किससे है? त्याग ग्रह त्याग की घटना? नहीं, ग्रह त्याग की नहीं है ये, पहला सर पहला उपदेश उपदेश को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, और वो वाली हो जाएगी ग्रह त्याग। क्या है उसको, क्या बोलते हैं, 29 वर्ष की आयु में किया था महाभिनिष्क्रमण। जी सर। ना, तो पहला उपदेश दिया धर्म चक्र परिवर्तन से, और ग्रह त्याग है महाभिनिष्क्रमण। इनके गुरु कौन थे बुद्ध के, जिन्होंने सांख्य दर्शन की दीक्षा दिलाई थी? आलार कलाम। कलाम इसके बाद रुद्रक राम पुत्र से भी शिक्षा प्राप्त की। सर्वाधिक उपदेश या सर्वाधिक समय कहाँ बिताया बुद्ध ने? सारनाथ सारनाथ में तो पहला हो गया जो ये धर्म चक्र वाला सर्वाधिक, सर्वाधिक है श्रावस्ती, ठीक है, दोनों यूपी में है याद रखना, सारनाथ भी हुई है लेकिन वो पहला उपदेश है, और सबसे ज्यादा है श्रावस्ती। सर्वाधिक पूछते समय कहाँ बिताया, तो यहीं पे है। यह सर्वाधिक वर्षा ऋतु कहाँ बुद्ध ने बिताई, तो इस तरीके से पूछते घुमा के कुछ बोलिए। फिर महापरिनिर्वाण की घटना का संबंध किससे है? महापरिनिर्वाण निर्वाण का बुद्ध की मृत्यु मतलब मृत्यु से ही 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में, इनकी कुशीनारा जगह भी याद रखना है यूपी में, देवरिया उत्तर प्रदेश।
साधारण रूप से जो मरता है, जो साधारण है, तो वो क्या है, जन्म मृत्यु होता रहता है उसका। और जब निर्वाण प्राप्ति का मतलब है अब उसका जन्म नहीं होगा, तो बुद्ध को भी हो गया महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण की घटना कहा जाएगा इसको। त्रिपिटक क्या है? सुत्पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। बौद्ध के ग्रंथ हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक की भाषा क्या है? पाली। पाली के। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। बौद्ध त्रिरत्न क्या है? बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ। अच्छा, फिर है बौद्ध धर्म के दो भाग कौन से हैं? बौद्ध धर्म के दो, हीनयान महायान। हीनयान महायान। महायान सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने क्या कहा, कौन सा मार्ग बताया? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, 8 तरीकों से दुख से दूर हो सकते हो। बुद्ध ने यही प्रमुख कारण बताया था। और उसके लिए 4 आर्य सत्य ये थे। ठीक है, निर्वाण का अर्थ क्या है? वे मोक्ष जीवन मरण प्राप्ति। से मुक्ति, यानी मोक्ष। निर्वाण को सरल बनाने के लिए कितने सील दिए थे बुद्ध ने, जो यानी आचरण के नियम है? यह कुल 10 है, गृहस्थ के लिए 5, भिक्षुओं के लिए 10। फिर लकुलिस जो थे वो किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? शिव के 18 अवतार में से एक लकुलिस को माना जाता है पाशुपत संप्रदाय। फिर आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र को सर। हाँ ठीक है, जिस संप्रदाय के लोगों को जंगम कहा जाता था, ये दक्षिण में प्रचलित है जंगम, यह लिंगायत वैष्णव भी है वहां, है ना, और यह लिंगायत संप्रदाय। नयनार संतों की संख्या कितनी बताई गई? 63। विशिष्टा द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? विशिष्टा द्वैतवाद, ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। रामानुज या रामानुजाचार्य।
मगध के सबसे प्राचीन वंश, मगध का उत्कर्ष और महाजनपद, ये सब सिलेबस अरे में। मगध का जो प्राचीन वंश का संस्थापक है वह द्रथ। अब हर्यक वंश का संस्थापक, पहला वंश हर्यक को मानते हैं ना, बिंबिसार, बिंबिसार। फिर पूछते हैं कि अंग राज्य मगध में किसके समय मिलाया गया? ये इसी का है, बिंबिसार के समय। 52 वर्षों तक इसका राज रहा यहाँ पर। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? उदयन उसके पुत्र ने। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र ने की थी। पुत्र कौन है इसका? अब यह है अजातशत्रु है। जी सर, राजपुत्रों का पुत्र उदयन। तब आएगा उसका, तो ये पितृहंता कहलाए। इसलिए पाटली पुत्र या पाटली ग्राम के संस्थापक कौन थे? उदयन। उदयन ये क्वेश्चन भी पाटलिपुत्र वाला भी आ चुका है पेपर में। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नाग दशक। जी सर, नंद वंश का संस्थापक महापद्म। महापद्मन, उग्रसेन भी कहा गया इसे। सिकंदर ने भारत पर हमला कब किया? 326 ईसा पूर्व। 326 में। 3 साल बाद इसकी मृत्यु हो गई, यहां से लौटने के बाद 323 में, ईसा पूर्व में। अब आ जाता है मौर्य साम्राज्य, ठीक है? तो मौर्य साम्राज्य जो है ये भी सिलेबस में मुख्य है, क्वेश्चन ज्यादातर बनता है यहाँ से। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? जस्टिन विद्वान जो थे उन्होंने इतिहास में रिसर्च करके कहा इसको सेंट्रल कोर्ट्स। एंड और विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य अपना नाम दिया था, ये पहचान की थी इस रूप में कि चंद्रगुप्त मौर्य है। अब चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक है, इसने अपना जीवन का अंतिम समय कहाँ बिताया था? श्रवण बिल बोला श्रवण बेल गोला। यहाँ पर उपवास के द्वारा देह त्याग किया। कौन से धर्म को मानता था चंद्रगुप्त मौर्य? जैन। जैन धर्म। तो जैन धर्म में एक प्रथा होती है, संथारा प्रथा बोलते हैं उसको, जिसमें उपवास के द्वारा देह त्याग कर देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। वैसे गुरु तो वह है चाणक्य, जिन्होंने उनको बनाए। तो वैसे जैन ही जो दीक्षा ली थी जैन की, वो की है भद्रबाहु से। भद्रभाव जी सर। इंडिका के लेखक मेगस्थनी मेगस्थनीज। फिर सिंहसेन किसे कहा गया है, किस राजा को? जैन ग्रंथों में सिंहसेन, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम बोले गए। यह बिंदुसार। जी सर, हिंदुस्तान। फिर ये क्वेश्चन भी पूछ देते हैं कि बिंदुसार ने किस स्थान के विद्रोह को दबाने के लिए सुसीमा और अशोक को भेजा था? तक्षशिला। तक्षशिला का विद्रोह, यहीं से उसकी अशोक की क्षमता का उसे पता चला। फिर गद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंती। अवंती। अवंती इसके फिर बौद्ध धर्म का हो जाता है अशोक जो है। तो बौद्ध दीक्षा किससे प्राप्त की है?
सरस्वती माता का नाम क्या था? शुभद्रंगी, ठीक जी है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा? महेंद्र वो कुमारी सुमित्रा, पुत्र पुत्री को। ग्रीक जी जी और आरमाई के अभिलेख कहाँ से मिले थे? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के खरोष्ठी का। सहगोरा खरोष्ठी वाले पाकिस्तान के, आरमाइक ग्रीक, आरमाइक अफगानिस्तान है, बाकी भारत में ब्राह्मी के। जेम्स प्रिंसेप ने कब सफलता प्राप्त की ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में? 37, 1837। और फेंथिलर ने कब खोजा शिलालेखों को? 1837 में पूजा शायद 1750 में पादरी थी फेंथिलर। ठीक है, तो कल इससे आगे कर लेना, इसके शिलालेखों का अध्ययन, प्रशासनिक व्यवस्था, और फिर यवन वाला तो इतना है नहीं इसमें, कुषाण, कुषाण और गुप्त है, ठीक है, कुषाण है, गुप्त है, पल्लव वंश है छोटा सा, दक्षिण के वंशों में से, दक्षिण में ज्यादा नहीं है, ठीक है, चोल और पल्लव है बस, यहाँ तक कर लेना पल्लव तक। और भूगोल दो पेज और शुरू हो गए, ये लगभग 3 पेज। ठीक है, तो लूसेंट का रिविजन भी हो पाया काफी समय से, तो इसका ही करेंगे कुछ दिन हम जीएस वाला पोर्शन। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।